मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही प्रदेश का सियासी पारा हाई है। ऐसे में दिग्गज नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। किसान कर्ज माफी का मुद्दा अभी भी गर्माया हुआ है। किसान कर्ज माफी अब इतना तूल पकड़ चुकी है कि दोनों दल के नेता एक दूसरे पर FIR तक करवाने की बात करने लगे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। कृषि मंत्री कमल पटेल ने चूंकि संविधान की शपथ ली, उसके बाद जनता को गुमराह किया। प्रश्न का जो उत्तर आया है और उनके जो बयान है, दोनों अलग अलग हैं। इस नाते हमारी सरकार की छवि को खराब करने का उन पर हमारा आरोप है। जिन धाराओं में भी उन पर मुकदमा होगा, हरदा में जा उनकी विधानसभा, उन पर FIR लिखाई जाए। और धोखा खाए हैं अभी विधानसभा में, और इसलिए मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से ये मांग करता हूँ कि सबसे पहले राहुल गांधी माफ़ी मांगे, हाथ जोड़ के सभी किसानों से, कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दो नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊँगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया, मैंने जो कहा वो नहीं किया, और इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कमलनाथ जी माफ़ी मांगे कि हाँ, मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ़ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफाल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने धोखा दिया, माफ़ी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ FIR करवाऊंगा, धोखाधड़ी और 400 BC की। 24 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में जो झूठ बोला दुनिया का सबसे बड़े झूठेले राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं, और इसलिए 24 घंटे में माफ़ी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया, संवैधानिक पद पर रहते हुए तुमने गुमराह किया, छल किया, धोखा दिया, कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं, और इसलिए आपके खिलाफ 400 BC 120 B का मुकदमा कायम कराया जाएगा।